ये कि ये जो संस्था है उसका उन्नीस में रजिस्ट्रेशन हुआ था पहले समिति गठन की गई बाद में उन्नीस में ही इसका वो हो गया उसके बाद में संस्था द्वारा निवेदन करने पे एक मतलब 40 हेक्टेयर भूमि इस संस्था के नाम से आवंटन हुई संस्था के नाम से आवंटन होने के बाद में इस संस्था जो वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति की आप सिंह साहब है और ये भीलवाड़ा में है या आप वहाँ पे गुजरात में है आनंद में इनके आर्थिक सहयोग से और टेक्निकल सहयोग दोनों सहयोग इस संस्था द्वारा दिया गया और इस पहाड़ी में ये दो पहाड़ी ये छोटी सी और है उन दोनों पहाड़ियों में मिला करके करीब छियालीस हज़ार पौधे लगाए गए हैं उनमें से छियालीस हज़ार में से आज की तारीख में करीब करीब 90 परसेंट जीवित हैं इसके बाद में संस्था द्वारा इसको पदार इससे जो ग्रामीण जो संस्था है वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति इसके द्वारा इसकी, इसकी देखरेख की जा रही है आवश्यकता पड़ने पर इसमें पानी भी दिया जा रहा है छोटे पौधों में और गाँव वालों की तरफ से जिस इस संस्था में ग्राम के एक अमीर से लेकर के गरीब तक के करीब तीन सौ के अबाउट सदस्य हैं जिसमें तीस प्रतिशत महिलाओं की भी भागीदारी है इसमें अब क्या है कि इसको पनपाने में हमारी संस्था द्वारा यहाँ संस्था द्वारा यहाँ पे एक चौकीदार रख रखा है तो इनको कटने से रोकता है इसके बाद में इस ये जो पेड़ पौधे हैं उसमें हमारे गांव को कम से कम पाँच चार पाँच फ़ायदे मिलते हैं पहला फायदा तो है कि ज़्यादा पेड़ होने से पर्यावरण जो है उससे शुद्ध हवा मिलती है दूसरा ये है कि गांव में यहाँ हमारे गांव में या इन गाँव में पशुपालक ज़्यादा है खेती और मजदूर पशुपालक ये ज़्यादा है तो पशुपालकों के लिए क्या है कि हम इस संस्था द्वारा इसमें अभी बरसात के मौसम में इसकी पत्तियाँ चराने के लिए चारा चराने के लिए पशु माड़ों को अड़व कर रखा है तो वो चरा लेते हैं चौकीद उसको जो इसका रखवाड़ा रख रखा है क्योंकि बिना रखवाड़े के तो यहाँ पेड़ों को काट ले जाएंगे रखवाड़ा रख रखा है उसका जो साल भर का जो वेतन मिलता है उसके बराबर पैसे गाँव वालों से वसूल करते हैं अब उसमें एक फ़ायदा तो पर्यावरण शुद्धता का है दूसरा फायदा हमारे जो पशुपालक है उनको भेड़, बकरी गाय भैंस उनको चराने के लिए पत्तियाँ और घास मिलता है तीसरा फायदा यह है कि गांव में हरियाली है चौथा फ़ायदा यह है कि यहाँ पे कई तरह के वो है जिनको क्या कहते हैं जानवर खरगोश है लोमड़ी है जरक है शियार है इस तरह के जो ये जानवर पनपते हैं और तीसरा ये पर्यटन के स्थल से सही है गांव वाले इसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और एक अमीर से अमीर से लेकर के एक गरीब से गरीब तक तक का इसमें सदस्यों की भागीदारी है